जय श्री राम दोस्तों, तो हम खड़े हैं जन्मभूमि पथ पर। तो अभी हम आपको सब दिखाते हैं जन्मभूमि पथ किस तरह सजाया गया है। और यह हमारे पीछे देख सकते हैं, इस साइड जाते हैं राम पैड़ी की ओर। और ये है मेरा हमारे लोग राम पथ मार्ग। तो बहुत अच्छे से मतलब बनाया गया, लाइट वगैरह लगा दी सामने। और अभी आपको दिखाते हैं हमारे सामने जन्मभूमि पथ है। तो ये तो स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। ये आप देख सकते हैं जन्मभूमि पथ और मेन द्वार है ये, प्रवेश द्वार। तो इस तरीके से इसको सजाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी फोर्स मतलब बहुत सख्त यहाँ पर बंदी है। बिना पास के कोई नहीं आ सकता, इधर अंदर कोई नहीं आ सकता। तो चल के भी आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना भीड़ है अभी। और इसको इतने अच्छे से बनाया गया है कि मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये देखिए इधर भी और वहाँ तक बनाया गया है। आप चलते हैं अंदर, हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। तो मतलब आज है दीपोत्सव के दिन, और दीपोत्सव के दिन इतना ज़्यादा तैयार किया गया है जन्मभूमि पथ को। और तब भी काम स्टार्ट ही है, काम रोका नहीं गया। और ये है आरती पास काउंटर, यहाँ पर आरती का पास बनवाया जाता है। और ये देखिए, तो अभी भी काम जारी है, यहाँ पर रोका नहीं गया है ये। और यहाँ पर कुछ मतलब इस तरह इस चीज़ को लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी आए श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आए राम मंदिर के, तो इसके नीचे बैठकर मतलब धूप जा सके, इसके तरफ बैठ सकें और धूप ना लगे उनको, इसीलिए इसको बनाया जा रहा। नहीं, पहले नहीं बनाया जा रहा था। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। तो अभी ये देखिए, अभी भी काम यहाँ पर चालू है। दीपोत्सव के दिन भी काम नहीं बंद किया गया है, तो आप मतलब समझ सकते हैं कितना तेज़ यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इधर उस साइड गड्ढा किया गया है, इसलिए इस पर्दे को लगाया गया उधर, मतलब कोई जाए ना, जो भी आए यहाँ पर। और वो आप वहाँ देख रही होगी हनुमानगढ़ी। तो वहीं चलते हैं इस भक्ति पथ, अरे ये उस साइड है भक्ति पथ है, और ये है जन्मभूमि पथ। और यहाँ पर देखिए मंदिर, इतनी ऊंची मंदिर बनाई जा रही है, विशालकाय मंदिर। ये दीवारें, ये दीवारें जो सब बन रही हैं, सब एक ही तरह की दीवारें कलर की जाएंगी। और जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक इसको मतलब ये बनाया गया है, ये फूल वगैरह मतलब लगाए गए हैं, जो भी इतने अच्छे सजावट की गई है इसको। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, और आए भी हैं। और डेट तो फिक्स हो चुकी है रामलला जी का प्रवेश दिन, जो भी मंदिर में जिस दिन बैठेंगे अपने मंदिर में अपने स्थान पर, वो है 22 जनवरी 2024। उसी दिन हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान होंगे अपने स्थान पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ का अपडेट। और आप दीपोत्सव के दिन ही इतना बताइए, इतना काम हो रहा है। तो आप इधर देखिए, इधर भी काम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सफाई की जा रही है, और काफ़ी दूर तक ये फूल वगैरह फूल लगाया गया है, गेट द्वार बनाया गया है गेट जैसा। और अभी हम वहाँ से आ चुके हैं इतने दूर से, और चल रहे हैं इस साइड। तो ये आप देख रहे हैं, अभी तो राम मंदिर में जाने के लिए सबको एंट्री मतलब सबको एंट्री नहीं मिलती है, बहुत कम ही लोग हैं जो जा सकते हैं, वो भी परमिशन लेकर ही, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर भी ये मतलब पूरे रास्ते में इसको लगाया गया, मतलब छा रहे इसके नीचे चलने से धूप न लगे श्रद्धालुओं को जो भी आए। और ये पत्थर देखिए बीच में लगाया गया है, और किनारे कुर्सियाँ लगाई हुई हैं बैठने के लिए। तो चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर एक है अमावा मंदिर, वो सामने है, अभी हम आपको दिखाते हैं अमावा मंदिर भी। और उस साइड भी कुछ बनाया जा रहा है, और चलते हैं आगे। तो हम पहुँचने ही वाले हैं राम मंदिर के निकट, बस कुछ रास्ता बचा है वहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए हर जगह मतलब एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सब खड़ी रहती है यहाँ पर। ये देखिए एम्बुलेंस इधर खड़ी है, और पीछे भी खड़ी थी अभी। और
यहाँ का काम बंद है। यहाँ से स्टार्ट है राम मंदिर, आगे भी आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर, जो कि रोज होती है लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती है रोज। बस आज तो दीपोत्सव का दिन है इसलिए इतनी भीड़ हो चुकी है। और यहाँ पर हर जगह पर, हर मोड़ पर, हर गली में पुलिस ही पुलिस है। प्रशासन बहुत टाइट है इस समय आज का, और आज के बाद तो राम पीढ़ी पर कोई भी आ सकता है। और दीपोत्सव के दिन ही अगर रात 8 बजे के बाद भी जा सकते हैं लोग बिना पास के ही। तो हम पहुंचने ही वाले हैं मावा राम मंदिर के पास। और ये देखिए यहाँ के खम्भे, और यहाँ पर भी कुछ इधर बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं इधर। ये इसको भी बैठने वाला या कुछ बनाया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। और ये देखिए इतना ऊँची ऊँची मंदिर यहाँ बनाई गई है। और ये जो दिख रही है यही है अमावा राम मंदिर, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये है अमावा राम मंदिर। और प्रभु श्री राम जी की मंदिर सामने है, तो आपको दिख रही होगी। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर, तो अभी तो पूरी तरीके से राम मंदिर नहीं बनी है। और यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ है, चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है, क्या अपडेट है यहाँ के। तो ये आप देख सकते हैं इधर भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, काम मतलब जारी है, रोका नहीं गया काम को। अच्छी बात है जो जल्दी से हमारा काम, हमारे अयोध्या का काम जल्दी हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर भी सड़क खोदे गए थे लेकिन अब बंद, यहाँ के काम बंद है। और यहाँ पर भी देखिए गाय रखी गई है थोड़े से। और ये देखिए उसके आगे तो हम नहीं जा सकते हैं, बस उधर ही उतने ही दूरी जा सकते हैं। और चल के हम आपको इधर दिखाते हैं हमारा मंदिर की ओर। तो हम चलते हैं अब भक्ति पथ की ओर और देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है उस साइड। प्रभु श्री राम जन्म भूमि पर नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो हम पहुँच गए हैं मावा राम मंदिर की ओर। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, तब भी यहाँ पर काम मतलब स्टार्ट ही है काम। चलते हैं आपको मैं और आगे चल के दिखाते हैं। दोस्तों ये रही हमारा मंदिर, तो साइड है श्री राम जन्मभूमि। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय श्री राम।